बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पर कई विवादों का जन्म होता है। दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है, लेकिन ये सब हमें मोस्टली कंटेस्टेंट्स के बीच में देखा जाता है। एंड आपको बता दें कि सीजन 13 तो सबसे अलग और हटके रहा, जहां पर कंटेस्टेंट्स आपस में तो दोस्त भी रहे शुरुआत में, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती धीरे धीरे करके दुश्मनी में बदलती गई। एंड इवन यहां पर दुश्मनी और दोस्ती वाला सिलसिला चला था आसिम रियाज और शेफाली जरीवाला में। जी हाँ, शुरुआत में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्ती में शामिल थी हिमांशी खुराना, लेकिन जैसे हिमांशी गई तो इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल हुआ, शब्दों का इस्तेमाल हुआ, एंड इवन दैट यहाँ पर शेफाली जरीवाला के हस्बैंड मिस्टर पराग त्यागी भी इसके अंदर आ गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलेआम आसिम रियाज को धमकी दे डाली कि जब वो बाहर आएंगे तो वो उन्हें बताएंगे और हाँ, फिनाले वाले दिन ही उन्हें देख लेंगे। और इसके अलावा जब शेफाली जरीवाला वापस घर के अंदर आई तो उन्होंने आसिम को बताया भी। और अब आपको बता दे कि पराग त्यागी का एक हालिया इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये क्या यूटर्न लिया है। जी हाँ, पराग त्यागी ने कहा कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, वो सब जो जहाँ पर था वहीं की वहीं पर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। और इसके अलावा पराग त्यागी ने उनके काम को लेकर उनकी तारीफ की और कहा कि आसिम रियाज के जो स्ट्रगल था उसे जिस तरीके का फल मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। एंड आई जस्ट विश कि वो ऐसे ही प्रगति करता रहे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें एंड साथ ही आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।